हाय फ्रेंड्स, आप सभी मेरे यूट्यूब पर फैमिली मेंबर को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं होली में कुछ स्पेशल लंच बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। ये मटर और न्यूट्रिला को मैंने आधे घंटे गर्म पानी में सोख करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये बेसन ले लिया है मैंने, और मसालों में मैंने मिर्ची, खड़ी धनिया, टमाटर, प्याज और लहसुन लिया है। तो टमाटर को अलग पीस लेंगे और प्याज, लहसुन, धनिया और मिर्ची को साथ में पीस के पेस्ट बनाएंगे। और इसको पीसने के बाद हम न्यूट्रिला और मटर को भी ग्राइंड करेंगे। तो सबको मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। देखिए, टमाटर को पीस लिया है, इधर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्ची को ग्राइंड कर लिया है। इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे ग्राइंड करके। और ये मटर और न्यूट्रिला को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको सोया बड़ी बोलते हैं, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। थोड़ा सा धनिया और मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी, और इसको मिक्स करेंगे। इसको हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे, जिससे बेसन सारे न्यूट्रिला और मटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गए हैं और ये अच्छी तरह से बॉल भी बन रहे हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे तेल रख दिया मैंने, तेल मेरा गरम हो गया है। इसको बाउल बना के छोटे छोटे इसमें डालेंगे हम। अब कोफ्तों को निकाल लूंगी। देखिए बनके तैयार हो गए हैं। इधर मैंने पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा लिया है। आटा मैंने आपको दिखाया नहीं कैसे लगाते, क्यों तो आप सभी को पता है पूड़ी का आटा कैसे लगाते हैं, इसलिए मैं वीडियो को लंबा ना होने की वजह से ये मैंने स्किप कर दिया है। अब इसकी छोटी छोटी हमें लोई बना लूँगी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिक्स किया है। इसी तरह सारी पूड़ियाँ हम बनके तैयार कर लेंगे। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे तेल डाल दिया है, तेल मेरा गर्म हो गया, पूड़ियों को डाल देंगे।
गुड़िया बनके तैयार हो रही है। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी से फूल गई हैं। पूड़िया मेरी बनके तैयार हो गई हैं। अब चलिए कोफ्ते बनाते हैं। गैस पे कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाल दिया है, प्याज लहसुन मिर्ची। धनिया और जीरे का मैंने पेस्ट जो बनाया था वो डाल दिया है इसमें। और इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च की पाउडर, भुनेंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसको ढककर कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा खोल ना जाए। मैं खोल के देखूंगी ग्रेवी में वाल आ गया है। अब इनमें मैं अपने कोफ्ते डाल दूंगी। कोफ्तों को कम से कम 15 मिनट तक कुक करना है कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने न्यूट्रीला और मटर के कोफ्ते बनाए हैं इसलिए को थोड़ा टाइम लगता है। इसको ढक के 15 मिनट तक हम कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद खोल के देखेंगे न्यूट्रीला के कोफ्ते मेरे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और बनके तैयार भी हो गए हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकालती हूँ। अब मैं खीर बनाने जा रही हूँ। खीर के लिए मैंने आधे घंटे चावल को सोख किया था। ये मखाना ले लिया है, ये इलायची, चीनी और ये फुल क्रीम दूध। अब चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुकर में खीर बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं दूध डाल दूंगी। दूध मेरा गर्म हो गया था, दूध के बाद मखाना डालेंगे, मिक्स करेंगे। मैं चावल डालूंगी। साथ में चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना। इसको मैं चलाऊंगी और अभी ढक्कन ढक के थोड़ा एक बाल का इंतजार करेंगे। एक बाल आने के बाद में इसमें ढक्कन लगाऊंगी। खीर में मेरे बाल आ गया है। अब ढक्कन लगा के दो सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी। तो गैस को धीमा ही रखेंगे जिससे खीर मेरी अच्छी तरह से पक जाए। खीर बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब इसको एक कटोरी में है। होली की स्पेशल थाली फ्रेंड्स तैयार है। अब ये रायता बनाना रह गया। ये मैंने दही ले लिया है, ये प्याज और टमाटर का रायता मैं बनाऊंगी। तो इसमें प्याज और टमाटर डाल लिए हैं। ये मैं चाट मसाला डाल दिया है इसमें।
काला नमक। रायता फ्रेंड्स बनके तैयार है। तो ये मैंने रायता बनाया है। ये हो गए हैं न्यूट्रीला के कोफ्ते, खीर, पूड़ी, और ये मैंने बनाया है चना के दाल के पेड़े। तो फ्रेंड्स आपको होली की शुभकामनाएं, और मेरी होली की थाली कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके।